अभी खेसारी जी को आने में 20 से 25 मिनट लगेगा, तब तक शांति बनाइए आप लोग। आप लोग अगर सलिंगता से बैठिएगा तो 10 से 15 मिनट में खेसारी भी आ जाएंगे। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के, 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। हम अपना बबली में से निकाल दें, आवत आ रहे हैं, सबर करो। आप लोग शांत बैठिए, 2 गाने के बाद आएंगे खेसारी जी। अभी खेसारी जी को आने में 20 से 25 मिनट लगेगा, तब तक शांति बनाइए आप लोग। सुनिए, यहाँ जो हुड़दंग हो रहा है ना, इसी के कारण यहाँ के DSP साहब खेसारी भैया को विराटनगर में रोके हुए हैं। आप लोग हुड़दंग जब शांत कर दीजिएगा तब हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ के DSP साहब प्रोग्राम बंद करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ कोई अच्छे लोग ने नेट पर डाल दिया है खींचकर, तो प्लीज आप लोग से नहीं हो रहा, आप लोग शांति से बैठिए। वहाँ DSP साहब विराटनगर में उनको रोके हैं। आप लोग अगर सलिंगता से बैठिएगा तो 10 से 15 मिनट में खेसारी भी आ जाएंगे। नमस्ते। हिजो मात्र नेपालमा घटेको एउटा घटना, जुन सुनसरी जिल्लाको बज्रताल भन्ने ठाउँमा भारतका सुपरस्टार, भारतको बिहार प्रदेशको भोजपुरी चलचित्र जगतका सुपरस्टार, गायक, नायक, मोडल तथा डान्सर पनि, जसलाई चाहिँ ट्रेन्डिङ स्टार अथवा भोजपुरी चलचित्रको दबाङ भनेर पनि चिनिँदो रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ आउने कुरामा प्रशासनले अलिक थोरै रोकेपछि अथवा कार्यक्रम आयोजकहरूले सही इन्फर्मेसन दिनु नसक्दा, क्राउडलाई सम्झाउन नसक्दा, अथवा एउटा कार्यक्रमको होस्ट जसलाई चाहिँ मास्टर अफ सेरेमनी भनिन्छ, जसको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण कार्यक्रमको जिम्मेवारी रहन्छ, जसले सम्पूर्ण कार्यक्रममा भइपरि आउने सम्पूर्ण सुख दुःख आपद विपदका कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने खुबी हुनसक्छ, उसँग बोल्ने एउटा पावर क्षमता हुनुपर्छ। त्यसको कमीको कारण यी सम्पूर्ण दङ्गा भएको देखिन्छ, किनभने यति बेला जब यति धेरै पब्लिकहरू आक्रोशमा आइसकेपछि एउटा उद्घोषकको हैसियतले कार्यक्रम आयोजकहरूको आधिकारिक सूचनालाई चाहिँ मजाले मिलाएर शान्त स्वभावले प्रवाह गर्न सक्नु नै एउटा उद्घोषकको खुबी हो, देखाउने बेला पनि यति बेलै हो। र यस कार्यक्रममा धेरै नै धनजनको क्षति भएको कुरा आएको छ। कलाकार स्वयंले केशरलाल यादवले 4 स्कर्पियन चल्यो, उहाँको इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै चल्यो भनेको छ, र सुरक्षाको कारण कार्यक्रम स्थलमा जान नसकेपछि केशरलाल यादवले होटलभित्रबाट बोलेको कुरालाई मैले यसै भिडियोमा जोडेर राखिदिएको छु, र संसारभरि रहेका कार्यक्रम आयोजकहरूले पनि यी कुराहरूबाट सिक्न आवश्यक छ। कार्यक्रम आयोजना गर्नुभन्दा अगाडि सुरक्षाको ध्यान दिनुपर्छ। अमेरिकामा राजेश पाललाई पनि यस्तै भएको थियो, तपाईँलाई थाहै छ। उसको ये पता नहीं होता है भाई, वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी, क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था, और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बनाकर 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को, तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तक इनको पता चल चुका था, तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया उसके बावजूद भी पूरे दिन टिकट काटते रहे, टिकट काटते रहे, और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया, जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया,
कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते, तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा, जो प्रशासन नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया, कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द, अभी तक जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? उसका शर्वण जी, शर्वण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या उनका? शर्वण जी का शर्वण चौधरी है उसका नाम, शर्वण चौधरी। तो शर्वण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए, हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता के नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं, अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी हमारे एसपी साहब के, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बेवकूफ बनाया और मुझे भी बेवकूफ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के, 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया, इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूं? इसमें दोष तो इनका है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहां के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए, जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम नहीं, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है, तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग का? देखिए मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो नहीं नहीं सर, वहां परमिशन हमें मिल गया है, तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहां इतनी महामारी नहीं होगी, तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर मेरे पास, प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है कार्यक्रम होगा, और इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। नेपाल में आपका आगमन पहली बार है? नहीं, मैं ये दूसरी तीसरी बार आया हूँ, मैं विराटनगर खासकर विराटनगर में पहली बार आया हूँ, बाकी वीरगंज में बहुत बार आया हूँ, एक दो बार ऐसे भी आया हूँ और एक दो बार कार्यक्रम करने। आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ करीब का सामान आपका जो नुकसान, नुकसान हुआ, अब क्या इसके बाद क्या? इसके बाद लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए एक मैं अपने जीवन में अपने सभी के लिए हमेशा काम करता हूं और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो, मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया, मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूं, और आज इन लोगों के वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब हुई, लोगों के नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं, जबकि सुबह 7 बजे से मैं होटल पे हूं 8 बजे से। अब इससे आपका एक जो फैन फॉलोइंग है उसको भी नहीं, जनता को हकीकत पता चलेगा तो जनता बेवकूफ थोड़ी है, और जनता ने जो किया है वो भी वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, मैं कुछ जनता को मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी मुझे बताया तक नहीं तो मैं सुबह आया जरूर, मैं बिना कार्यक्रम किए मैं लाइव आ जाता कि प्रशासन की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है, आप लोग नहीं आइएगा कार्यक्रम में, तो लोग नहीं आते। तो आपका आगे का जो अब इसके बाद का क्या आपका क्या करेंगे क्या देख रहे थे? कुछ चीजों से लेते हैं आप, इसके बाद जैसे आपका क्षति हुआ आपका एक हिसाब से क्षति तो आयोजक ही देगा ना, अब क्षति जो हुआ है गलती इनकी है, इनको तो पूरे जनता का पैसा लौटाना चाहिए, जनता की क्या गलती है भाई, वो तो अपने स्टार को देखने आ रही है, तो इनको पूरे जनता का नेपाल के जनता के साथ इंसाफ करना चाहिए इनको, क्योंकि गलती इनकी है, इसमें गलती जनता नहीं है और ना ही खेसारी लाल यादव है।
और ना ही सरकार है ना ही प्रशासन है कि जब आपको मना कर दिया गया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते तो फिर आपने जबरदस्ती जनता को गुमराह क्यों किया, जनता को बेवकूफ क्यों बनाया, खेसारी लाल यादव को बताया कि नहीं। मैं तो इतना ही कहता ना कि भाई ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पे कोविड के वजह से प्रशासन ने मना कर दिया, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। मैं लाइव आके लोगों को बोल देता, लोगों को समझा देता तो टिकट तो नहीं कटाते ना वो। लेकिन अंत में इस घटना के बाद आप क्या अंतिम निचोड़? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं आयोजककर्ता को ही भरना पड़ेगा क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूं, पटना से रात को निकला मैं और मैं आ गया तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी, क्या खेसारी लाल यादव नहीं है तो अब क्या क्या कदम लेंगे आप? जैसे आपका कदम क्या उठाना है तो अभी तो अब जनता को इंसाफ करना है कि आयोजककर्ताओं के साथ इनको क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो जनता का प्यारा बच्चा हूं, मैं इनके लिए ही आया था। नहीं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा? अब इनको पूरे जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए मेरा जहां तक सवाल है, क्योंकि जनता जो है वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे को देखने आई थी तो और इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। ये मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक नाल तबला, कोई चीज नहीं बचा। तो चलिए, और भैया का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, दिल से थैंक यू भैया को। और यहाँ के मेयर है, ये मंत्री जी हैं तो मंत्री जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि वो क्योंकि वो आए हमारे लिए इतने रात। मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ कि मेरी गलती नहीं है, आप लोग मुझे दोषी ना समझें क्योंकि मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए, आपके मनोरंजन के लिए दिनों रात मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और इन लोगों की वजह से इसमें बताइए, अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूं, यहाँ के प्रशासन को नहीं जानता, यहाँ के कानून को नहीं जानता, तो गलती तो इन्होंने किया, तो इसके लिए मैं आपका गुनहगार नहीं हूँ। मैं आया जरूर था सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए, तो जिनके मन में मेरे लिए नफरत है ये आप एक बार सच्चाई जान लीजिए कि हाँ मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं आया और 10 लोग घेर कर कह दे कि आप नहीं जा सकते, अगर नॉर्मल इंसान घेर के कहे तो मैं बोल, हो सकता है कि मैं लड़ जाऊं, लेकिन मैं इंडिया यहाँ नेपाल की गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ने आया था, यहाँ के प्रशासन से झगड़ा करने तो नहीं आया था, तो इसलिए ये चीजें हुई है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आकर भी और आपके सामने कुछ कह नहीं पाया, कुछ गा नहीं पाया। क्या मुझे दुख नहीं है इस बात का? मुझे भी इस बात का दुख है, जितना आप दुखी हैं उससे कई गुना ज्यादा दुखी मैं हूं क्योंकि मैं आके भी और आपका मनोरंजन नहीं करा पाया।